नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में सॉलिड स्टेट कहते हैं। द्रव्य प्लस ऊर्जा, जो ये ब्रह्मांड से मिलकर बनी है, इसका आधार ऊर्जा का आधार परिवर्तित होते रहते हैं, और इसका भी आधार परिवर्तित होते रहते हैं। द्रव्य, जिसको अंग्रेजी में मैथर कहते हैं, मैथर, इसके तीन पहला ठोस द्रव्य और गैस ठोस को अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं, और द्रव्य को लिक्विड कहते हैं, लिक्विड, और गैस को गैस। तीसरा ठोस जिसकी आकृति निश्चित होती है, उसे ठोस कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जिसका आकृति एवं आकार निश्चित होते हैं। अब द्रव्य में वह अवस्था जिसकी आकृति आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं, इसमें भी ये गैस का जितना ही गैस खोलेंगे उतना ही फैलेगा, इसका भी कोई
आकार तथा आकृति निश्चित नहीं होती है। अब आइए देखते हैं 1.1 का क्वेश्चन, ठोस अवस्थाएं। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.1 एनसीईआरटी 1.1 ठोस अवस्थाएं, ठोस अवस्था सॉरी, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणुओं एवं अवयवीकरण के एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, साथ ही इनका आयतन तथा आकार आकृति निश्चित होती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणु अवयवीकरण के एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, साथ ही इनका आयतन तथा आकृति निश्चित होती है, ठोस अवस्था है। इसी को ठोस अवस्था कहते हैं। देखिए जल की अवस्था, पहले लिखेंगे ठोस द्रव्य और गैस। तो ठोस का बर्फ, द्रव्य जल और गैस वाष्प। अब आपने देखा जल की अवस्थाएं, ठोस द्रव गैस, ठोस बर्फ, द्रव जल गैस वाष्प। अब देखेंगे ठोस के गुण, ठोस के टोटल चार गुण होते हैं, चार गुण पर डिस्कस करेंगे। पहला लिखेंगे आकार व आयतन,
आकार व आयतन निश्चित होते हैं। अब दूसरा, ठोसों में अभी कण अपने निश्चित स्थान पर स्थित होते हैं। तीसरा देखेंगे, अंतः आणविक बल शक्तिशाली होता है। अब चौथा देखेंगे, ठोस कठोर व असंपीड्य होते हैं। तब देखेंगे, पहला है आकार व आयतन निश्चित होते हैं, दूसरा ठोस में अवयवी कण अपने निश्चित स्थान पर स्थित होते हैं, तीसरा अंतः आणविक बल शक्तिशाली होता है, चौथा ठोस कठोर व असम